अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर आते हैं आज की अहम खबर पर। तमाम उम्मत मोहम्मद को न्यूज़ 18 हैदराबाद की जानिब से शब मेराज मुबारक। इस मुबारक रात के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद के मनाजिर देखने लायक थे। आइए नजर डालते हैं मस्जिद के कुछ मनाजिर पर। तेलंगाना वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने होम मिनिस्टर ऑफिस पर एक इजलास मुनक़िद करते हुए जेलों के कैदियों को आज़ाद करने के बाद उन्हें उन्नति प्रोग्राम के तहत सहूलतें फराहम करने पर जोर देते हुए हुकूमत तेलंगाना के अहदेदार और पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी ताकि सजायाफ्ता मुजरिम जेल से बाहर आकर अपनी ज़िंदगी सुधार लें। इस मौके पर प्रिजन्स IG श्री वाई राजेश, हैदराबाद DIG श्री मुरली बाबू के साथ मजीद पुलिस के आला अहदेदार मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। AIMIM पार्टी के 64 साल मुकम्मल होने की खुशी में कल यानी 2 मार्च 2022 को पार्टी ऑफिस दारुसलाम पर ठीक 10 बजे सुबह फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। आवाम और मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ। धर्मनगाट पुलिस स्टेशन हदूद में चंद्रोज खबर जो कशीदगी पैदा हुई थी, जिसमें BJP कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए केसेस बुक किए थे, उसी कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए धर्मनगाट पुलिस ने दुब्बा का BJP MLA रघुनंदन राव को हिरासत में लेते हुए इन्हें घटकेसर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बताया गया है कि रघुनंदन राव धर्मनगाट मंडी जा रहे थे, पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक कर हिरासत में ले लिया। रच्चाकोंडा कमिश्नरेट इब्राहिम पट्टनम पुलिस स्टेशन हदूद में एक ज़मीन के सौदे को लेकर फायरिंग करने का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि श्रीनिवास रेड्डी और रघुवीर रेड्डी नामी रियल्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया गया। यह हादसा करनम गुड़ा इब्राहिम पट्टनम में पेश आया, जिसमें श्रीनिवास रेड्डी मौके वारदात पर ही हलाक हो गए और रघुवीर रेड्डी, जिसे ज़ख्मी हालत में पुलिस ने करीबी दवाखाने में पहुँचाया था, इलाज के दौरान इनकी भी मौत हो गई। बादादा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद में एक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चंचलगुड़े से टोली चौकी जाने वाले जोड़े को एक RTC बस ने राउंड दिया, जिसके सबब बाइक पर सवार यूसुफ नामी शख्स की बीवी सिराज बानू मौके वारदात पर ही हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही चादरघाट, मलकपेट और अफजलगंज पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने मौके वारदात पहुँच कर पंचनामा करते हुए लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया और अफजलगंज पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। हम लोग चंचलगुड़े में रहे थे, हमारा घर चंचलगुड़े में, यहाँ से हमारे बहन और बहने जा रहे थे। जाते वक्त चादरघाट ब्रिज के ऊपर एक TSRTC बस ड्राइवर जो है टक्कर दे दिया उनको, जो है उनका छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, उनके वालदा का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उनके वालदा की डेथ हो गई। उस्मानिया को लेके गए, हमारा को इंसाफ होना TSRTC की तरफ से। झनाल का बच्चा जर्रा धक्का लगते कि मार दिया वो लाल बस थी नंबर भेजा देगी मेरी अम्मा का। हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज। DJ Joseph.